तो हेनरी कैविल का आखिरी सीजन एस विचर ड्रॉप हो चुका है, यानी कि विचर का सीजन 3 पार्ट 2। एंड ओवरऑल बोलूं तो इट डिसअपॉइंटेड मी। एंड सिंस ये हेनरी कैविल का लास्ट सीजन भी था, तो मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था इस सीजन से कि भाई इसके फिनाले में कुछ अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अपना हेनरी कैविल का कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगा था कि इस सीजन के फिनाले में अपना गेरोल्ट इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाएगा कि जब उसे अगले सीजन में हील किया जाएगा मैजिक के थ्रू, तो उसके लुक्स चेंज हो जाएंगे एंड फिर हमें हेनरी कैविल की जगह लियाम हेम्सवर्थ दिखेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला था जैसे अपने को सीजन 1 के अंदर येनिफर के कैरेक्टर के साथ दिखाया गया था कि जब वो हील होती है तो उसके लुक्स चेंज हो जाते हैं, तो वो चीज थोड़ी बहुत सेंस बनाती है। लेकिन उस तरह का कुछ भी सेटअप अपने को इस सीजन के फिनाले में नहीं देखने को मिलता एंड साथ ही सीजन एक क्लिफहैंगर के साथ एंड हो जाता है। खैर स्टार्टिंग से बात करें तो सीजन 3 पार्ट 2 में टोटल 3 एपिसोड्स हैं, जिनमें से 6th एपिसोड सबसे बढ़िया है। मतलब बहुत भयंकर एक्शन है इस एपिसोड के अंदर, केओस मचा हुआ है चारों तरफ, एरिटूजा के अंदर ब्लड स्पिलिंग हो रही है और देख के मजा आ जाता है। एंड मैं इस एपिसोड को सीजन 3 का सबसे बेस्ट एपिसोड इजीली कह सकता हूं। एंड मानो या ना मानो इस एपिसोड को देखने के बाद सीजन 3 के पार्ट 2 से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे और तुम सोचते हो कि भाई लास्ट के दो एपिसोड में क्या क्या हो सकता है अगर 6th एपिसोड में इतना बवाल मच चुका है ऑलरेडी। तो लेकिन वहीं जब 7th एपिसोड ड्रॉप होता है तो अपने को दिखता है कि भाई जो सीरी है वो एक डेजर्ट के अंदर फंस गई है और वो पूरा एपिसोड उसी के स्ट्रगल के अराउंड घूम जाता है कि भाई उसको कैसे हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, वो कैसे वहां पे सरवाइव करती है, उसको 5-6 दिन हो जाते हैं, वो सिर्फ पैदल चल रही है। एंड इसी चक्कर में पूरा 7th एपिसोड निपट जाता है। वहीं एपिसोड 8 के अंदर भी कुछ खास दिखाया नहीं जाता, खाली सीजन 4 को लेकर सेटअप किए जाते हैं कुछ चीजें। एंड इस एपिसोड के अंदर एक फाइट सीक्वेंस भी अपने गेरोल्ट भैया की, जहां अपने गेरोल्ट भैया निल्फगार्ड के कुछ सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं अपनी सोर्ड और एक्स का यूज करके, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। एंड 8th एपिसोड जहां क्लिफहैंगर के साथ एंड होता है, वो एक्चुअली में हमें स्टार्टिंग में ही टीज कर दिया जाता है सीजन के 2nd या 3rd एपिसोड के एंड में, एंड उसी के साथ ये पूरा सीजन खत्म होता है। एंड एक्चुअली में मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, मैं तो यही सोच रहा था कि भाई अपने को विचर के कैरेक्टर के अंदर कोई मेजर चेंज देखने को मिलेगा, उसके स्टोरी आर्क में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए इस पूरे सीरीज का बेस्ट पार्ट वो था जब गेरोल्ट भैया अपनी विचर वाली दारू पी के अपनी आंखें काली कर लेते हैं। मेरा मतलब है जब वो विचर वाला सीरम पीता है मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो चीज मुझे बहुत कूल लगी पूरी विचर सीरीज के अंदर, और उसकी मॉन्स्टर से जो फाइट होती है वो लिटरली मजा दे देती है। लेकिन वो चीज सीजन 1 और 2 के अंदर तो काफी ज्यादा थी, मतलब हम लोगों ने बहुत बार उसे देखा और देख के मजा भी आता है जब वो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करता है। लेकिन भाई सीजन 3 के पार्ट 1 में खाली वो एक बार वो दारू पीता है मेरे ख्याल से, एंड सीजन 3 के पार्ट 2 में एक भी बार नहीं पीता। तो तुम ये कह सकते हो कि जो चीज मुझे विचर को लेकर बहुत ज्यादा पसंद थी वही चीज सीजन 3 के अंदर नहीं दिखाई गई। तो मेरे ओपिनियन में विचर का सीजन 3 एक बिलो एवरेज सीजन रहा है। एंड ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भाई अगर तुम्हें देखना है ये सीजन तो जाके देख लो, बाकी कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। देखना हो तो देख सकते होगा, तुम्हारे पास खाली टाइम पड़ा है, नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सीजन 4 से ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग विचर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हेनरी कैविल भैया लिटरली उसमें जान फूंक देते थे। एंड प्लस मूवी मेकर्स अब अपने सोर्स मटेरियल के रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सीजन 3 का क्या हाल है हम सबके सामने ही है। सीजन 1 और 2 से आप कंपेयर करोगे तो सीजन 3 का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, सीजन 4 में क्या होगा वो भगवान को ही पता है। बाकी ये तो था मेरा ओपिनियन विचर के सीजन 3 को लेके, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।